हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अभिवीर पादा, मेरा और आपका जनरल अवेयरनेस का चैनल। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि लॉकडाउन की डेट को बढ़ा दिया है 3 मई तक, तो अब जब लॉकडाउन बढ़ गया है तो अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। आप घर पे बैठे बैठे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, या फिर म्यूजिक सुन सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पे बाहर जाना है तो सिर्फ 3 रीजन से ही बाहर जाइएगा। पहला रीजन, अगर आपके घर में कुछ मेडिसिन की कमी हो गई है या फिर आपको कोई मेडिसिन चाहिए, तो तभी आप बाहर जाके मेडिसिन लीजिए। रीजन नंबर 2, अगर आपके घर में वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं तो बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए। खाने पीने का सामान कम हो गया है तो ही बाहर जाइएगा। और अगर आपको इन 3 रीजन से बाहर जाना पड़े तो अपने साथ एक मास्क पहनिएगा और एक सैनिटाइजर कैरी कीजिएगा, और ऐसे कुछ अनयूजुअल प्लेसेस पे हाथ ना लगाइएगा क्योंकि वहां पे वायरस हो सकता है। और जब भी आप घर पे वापस आए कुछ भी लेके, तो उनको पहले 1 घंटे के लिए धूप में रखें ताकि अगर उसमें वायरस लगा हो तो वो वायरस खत्म हो जाए। और अगर आपने वेजिटेबल या फिर राशन लाया है तो उसको पहले 1 घंटे के लिए धूप में रखिए, फिर उसको अच्छे से धोइए, फिर आप उनको यूज कीजिए। अब इस संकट की घड़ी में 3 लोग आपके काम आ रहे हैं। पहला, दूध वाला जो हर सुबह आपके घर में दूध पहुंचाता है। दूसरा, सफाई वाला जो आपके घर और आस पड़ोस को साफ करता है। और तीसरा, आस पड़ोस वाले शॉपकीपर। पर 1 सेकंड रुकिए, शॉपकीपर की जब बात आती है तो जब लॉकडाउन से पहले आपने उस शॉपकीपर को कहीं ना कहीं जाकर ठुकरा दिया होगा, और आपने सोचा होगा कि बड़े बड़े सुपर मॉल्स, सुपर शॉपी से हम शॉपिंग करेंगे, और आपने उसको इसलिए ठुकराया होगा क्योंकि उसके पास छोटी दुकान थी। तो अब तो सुपर शॉपी, सुपर मॉल्स तो बंद हैं, आपके काम कौन आ रहा है? वही आस पड़ोस वाला शॉपकीपर। तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आप उस शॉपकीपर को मत भूलिएगा जो आपके संकट की घड़ी में काम आया था। घर पे रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ये संकट की घड़ी ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। लॉकडाउन का मतलब होता है कंप्लीट लॉकडाउन, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति निकली। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और बेल आइकन दबाना। जय हिंद।